भी है ना बोला जाए, ठीक है ना। राजा बेटा जैसे आज थोड़ा सा पढ़ाने में मुझे आलस ही रहेगा, मेडिसिन लेके आया हूँ, तो आप थोड़े से अपने आप को जागरूक रखना है ना, लगाए रखना, आलस आ सकता है यार, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलूंगा ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कल हमने क्या क्या पढ़ाया था उसके बारे में बताते हैं आपको। देखो पहले तो अपन मैट्रिक्स पे चल रहे थे, और मैं अच्छा कितने लोग नए हैं, कोई बच्चा नया जो तो पहले दिन आया हूँ। अच्छा दो लोग हैं, वेरी गुड बेटे। नहीं, मंगलवार को कोई क्लास नहीं है, ये मैंने बता दिया था, लेकिन मंगलवार को जो निकल गया है उसको मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों का भी छूट गया हो वो भी आ सकते हैं, और जिनको दोबारा रिवाइज करना हो वो भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बोले होली है ठीक है अब हम पढ़ेंगे नहीं, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। लाइट ऑन कर ऑफ करना। तो मंगलवार को मैं, लेकिन इसका ऑनलाइन प्रसारण नहीं होगा, ठीक है ना। मंगलवार को जो क्लास होगी, और 1.5 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की नहीं होगी वो क्लास। अच्छा अपन तो 3:45 से पढ़ाते हैं ना, वो तुमने याद नहीं दिलाया, 15 मिनट बैठे बैठे गप्पे लगा दी। मैं 10th वाला बैच 4 से स्टार्ट करता हूँ, मुझे वही दिमाग में था कि 4 से याद दिला दिया करो भले आदमी लोग। हाँ तो मैं इसीलिए तो लगा मुझे 4 बजे तक, तो 4 से मैंने स्टार्ट किया है। हाँ मुझे, तुम लोग तो यही चाहते हो 4 क्वेश्चन करा दो, कोई 4 एग्जाम में आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अरे याद दिला दिया करो भाई, चलो हाँ ध्यान देते हैं, मैं तो भूल ही गया था। तो ये मैट्रिक्स मैंने बताया था कि मैट्रिक्स क्या क्या होता है, इसके क्या ऑर्डर होते हैं। दो मैट्रिक्स को तभी इक्वल मानते हैं जब उनके सारे एलिमेंट वैसे के वैसे इक्वल हो। पार्ट 2 में कल मैंने बताया था कि कैसे दो मैट्रिक्स को प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है। प्लस करने का तरीका बहुत ही शानदार था, सीधा सीधा प्लस कर दो, जैसे इन दोनों को प्लस करना है तो इसको इसको, मतलब जैसे a+b को प्लस करना है तो 2 और 0 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 2, 3 और 5 को प्लस करोगे तो 8, -5 और 1 को प्लस करोगे तो -4, 1 और -2 को प्लस करोगे तो -1, 2 और 7 को प्लस करोगे तो 9, मतलब सीधा सीधा प्लस हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। माइनस के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले उस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो सारे एलिमेंट में, तब करो, ठीक है। कल ये क्वेश्चन भी कर लिए थे, और यहां तक करते करते अपन कहां पर आ गए थे, ये क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया था। देखो शायद लास्ट क्वेश्चन यही होगा, और कुछ लोगों से मैंने ये भी कहा था कि इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेना है ना, दो एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब आज की क्लास यहां से चालू होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैंने बताया था। अच्छा ये कब होता है, मल्टीप्लाई कब संभव होता है और कब नहीं संभव होता है, ये भी समझ रहा। ये जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई हर बार पॉसिबल हो, ये जरूरी नहीं मल्टीप्लाई हर ऑर्डर में पॉसिबल हो, जरा ध्यान रखना। देखो इसमें क्या बताया गया है कि AB का मल्टीप्लाई तभी संभव है, देखो ये बताया है द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। इस बात पर डॉटेड या डार्क लाइन या हेडिंग बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर इक्वल होगा तो ही मल्टीप्लाई संभव होगा। पहले का रो नहीं, पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर बराबर होंगे तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। इन्होंने क्या कहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का ए बी एग्जिस्ट करता है तो ये जरूरी नहीं कि बी एग्जिस्ट करे और ना ही करे, है ना, ऐसा जरूरी नहीं रहता है। इट मे बी एग्जिस्ट और मे नॉट बी एग्जिस्ट। आज ये कसम खा के चलना है अपन को कि मल्टीप्लाई तो सीखना ही है, अगर जहां पे दिक्कत आ जाए वहां टोक देना, बहुत
बहुत गजब का, गजब तो मतलब है ना, काम है मल्टीप्लाई सीखना और बहुत आसान भी है। अच्छा कहते हैं देखो ये लिखा 2/2 और ये लिखा 2/3, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ये क्या होता है बेटे? रो। ये क्या होता है? कॉलम। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या कह रहे हैं? पहली वाले का मतलब जिसे प्री मल्टीप्लाई हुआ है उसका कॉलम और दूसरे वाले का रो अगर इक्वल है तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और पता है आंसर कितना आएगा? आंसर जो आएगा ना, जो इसका आंसर आएगा वो 2/3 की ही मैट्रिक्स आएगी। कितने बाई कितने की आएगी? 2/3 की मैट्रिक्स आएगी। अब जरा मैं इसे हिंदी में समझाता हूँ। ये एक एग्जाम्पल आ रहा है, इसको मैं पहले करके दिखाता हूँ। इन्होंने क्या कहा? AB BA के इक्वल नहीं है और AB और BO को निकालो और ये प्रूफ करो। तो सबसे पहले मैं AB निकालने जा रहा हूँ, आप लोग लिखे ना ध्यान में। ये A है, सही से बैठो बेटा। एक दिन ऐसे ही बच्चा बैठा था, दीवाली कर दी है, दूरी बना के बैठो, दूरी बना के। कितना शानदार समय आया है कोरोना का। एक बेंच पे कितने बैठ रहे हैं? दो, नहीं तो एक एक पे चार चार लगते थे, बैठते नहीं। टेंथ का तो याद होगा सब, है ना? आओ बच्चे आओ यार, तुम जल्दी आ गए, हम ही लोग लेट स्टार्ट किया। अच्छा पहले दिन दिया है, चलो आ जाओ आ जाओ, बड़ा अच्छा काम किया तुमने बेटा। गेट बंद कर लेना, ठीक। ऐसे ही सभी लोग अच्छे अच्छे काम करते रहो। हाँ ये कितना हो जाएगा? 1 - 2 = 3, 3 - 2 = 1। बेटा ध्यान देना, अभी अभी तुम आए जरूर हो लेकिन मैंने अभी स्टार्ट ही अभी किया है। 2, 3 - 1, 2, 4 - 5, ये ना। अब देखो पहले ऑर्डर मैंने क्या बताया था, इसका ऑर्डर क्या होता है सिर्फ सुनो, जो लोग पहले दिन आए हैं वो भी सुनो। और ट्यूसडे को मैं क्या करूंगा? दोबारा पढ़ाऊंगा जो फर्स्ट टॉपिक था वहां से। इसलिए ट्यूसडे को आप लोग, जिन लोगों का छूट गया है, जो लोग अभी ज्वाइन किए जिनको नहीं हुआ, ट्यूसडे को इसी बैच में यहीं पर मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए ट्यूसडे ना मिस करें। चलो यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान देना। ये कितने बाई कितने का ऑर्डर क्या होता है? रो और कॉलम की संख्या को ऑर्डर बोलते हैं। इसमें कितनी रो हैं? एक रो, ये रो होते हैं और ये क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ बेटे? 2/3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम। इसमें चलो जरा कितनी रो है? 3/2। अब मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा, कब मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा? जब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई यहां पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। अब देखना मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान देना। हर रो का हर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, इस बात को अगर आपने मान लिया ना तो समझ लो कि सही आंसर आएगा। बेटे लाइट ऑन कर लो, पीछे से लाइट ऑन कर लो। हाँ वेरी गुड, और सब जगह है लाइट, दिख रहा है ना सबको? देखना ध्यान देना, ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये रो 2 है, ये अच्छा, और ये क्या है? कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो हर रो का हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये जैसे रो 1 का कॉलम 1 में मल्टीप्लाई होगा, रो 1 का, तो पता है एक ही एलिमेंट आएगा, मतलब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा, पांचवा, छठवा, छह एलिमेंट इसमें, छह ही इसमें। यहाँ तो 4 ही एलिमेंट आएंगे क्योंकि मैंने बताया था कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी रिजल्ट में, 2/2 की आएगी। और मल्टीप्लाई करते कैसे? इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, ध्यान देना। इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना? 2। फिर एक कदम यहां कूदेंगे, एक कदम यहां कूदेंगे, तो ये कितना है? -2 - -1 + 2। फिर 3 - 4 = 12। समझ आया या नहीं आया? ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है इसका। फिर आगे देखना, फिर पहली रो का पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? 3। फिर कितना होगा?
माइनस फोर फिर कितना होगा माइनस फिफ्टीन। ये एक ही एलिमेंट आ रहा है, प्लस माइनस करते हैं एक ही एलिमेंट आ रहा है। अब ध्यान देना, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा। हाँ बताओ कितना हुआ सिक्स, फिर माइनस टू। वेरी गुड बिट्टू, बहुत अच्छे। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई नाइन, फिर इसका इसमें फोर, फिर इसका इसमें पांच, ये हो गया। तो देखो ये अभी अभी तारो ताजा मल्टीप्लाई निकल के आया, ये टोटल कितना हुआ बेटे 16। ये पूरा कितना हो गया, अरे भाई इतना टाइम लग रहा है, वो पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, ये तो छोटे पंती बातें हैं, नर्सरी क्लास के बच्चे उड़ा देंगे इनको। हाँ ये वाला जीरो, ये वाला अरे पांच चार नौ नौ अठारह सीधा लिख रहे 18। ये मल्टीप्लाई पॉसिबल आ गया, इसका ऑर्डर क्या है बेटे, दो रो दो कॉलम है, तो आंसर कितना आ गया 2/2। समझ में आ गया सभी को, पक्का आ गया, ठीक है। ये ए भी आया, अच्छा यहाँ बड़ा सिस्टम है, मतलब ए अगर पहले है तो ए पहले आएगा, बी बाद में है तो बी। वैसे मल्टीप्लाई में क्या होता था, 2 × 3 लिखो तो भी 6 आता है, 3 × 2 लिखो, इधर ऐसा नहीं है, इधर ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, लिखें ऐसे, नोट करें सभी लोग। अब ए बी मैंने निकाल लिया, बी ए आप कोशिश करें। हो गया, अब मैं देखो बी ए करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, बी ए करने जा रहा हूं। अब देखो ये तो तुम्हारे पास आई गया, मैं हटा दे रहा हूं सब। बी ए, बी ए का मतलब पहले बी लिखा जाएगा, बी कितना है ये 2 3 − 1 2 4 − 5, और ए कितना है, ए है ये 1 − 2 3 3 2 − 1। पहले तो देखते हैं कि क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। तो हाँ ये कितने बाई कितने की है, ये कितने बाई कितने की, 3/2। ये कितने बाई 2 की, 2/3। इनका इनका मल्टीप्लाई मतलब इसका लास्ट इसका फर्स्ट इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो रिजल्ट आएगा वो कितने बाई कितने का है, 3/3 का आएगा, ये भी कंफर्म हो गया, 3 रो 3 कॉलम होंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें बताओ कितना हो जाएगा, 2 + 9, बस आगे खत्म। ये पहली रो थी ना, ये रो 1 था, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो रो 1 का कॉलम 1 में मल्टीप्लाई हो गया। अब रो 1 का कॉलम 2 में मल्टीप्लाई होगा, फिर रो 3 का कॉलम मतलब रो 1 का, लिख नहीं रहा क्या बात है बेटे, लिखते रहो यार, तुम्हारे ही के लिए है, लिख नहीं रहे क्या, क्या नाम है, विशाल, विशाल नाम है, विशाल है, तो ये भी का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मैंने तो बहुत टाइम लिया लिखने के लिए, लिखो मान लो बात, इसीलिए इन भैया को लगाया है, नहीं तुम्हें लिखना ही है। हाँ वैसे ऐसे तो सब छोड़ दो, लिखना भी है पढ़ना भी है करना भी है, सही बात है कि नहीं, समझाओ इसमें, तुमने नहीं लिखा पहले वाला ए बी, तब तक मैंने मिटा दिया, चल रोक दिया करो मुझे, है ना, चलो इसको करते हैं।
लिखते रहा करो। तुमने लिखा क्या नाम? अंकित शर्मा है। हाँ बहुत बढ़िया, कोशिश करो अगले वाले को, कोशिश करो। तुम्हारी कॉपी ये नोट कर रहा है। अच्छा अच्छा छूट गया, ओके किया करो। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है ना तो रोक दिया करो। तो ये देखो, हाँ रो वन का कॉलम वन में मल्टीप्लाई हो गया है ना। अब रो टू का कॉलम टू में रो वन का कॉलम टू में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आएगा बेटे? माइनस फोर। इसका इसमें कितना आएगा बेटे? प्लस सिक्स। इसका इसमें कितना आएगा बेटे? सिक्स। इसका इसमें कितना आएगा? माइनस फोर। ऐसा आएगा, ठीक है? यहां तक समझ में आया सभी को? अब देखना, पहला रो और सारे कॉलम हो गए, अब कौन सा उठाएंगे अपन? दूसरा रो और दूसरा कॉलम उठाए, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसमें। तो ये हो जाएगा माइनस वन और ये कितना हो जाएगा? सिक्स। फिर ये हो जाएगा माइनस टू, फिर हो जाएगा फोर, फिर ये हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री और माइनस टू हो जाएगा, माइनस थ्री और माइनस टू। फिर देखना इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इस चार का इसमें होगा कितना हो जाएगा? फोर माइनस फिफ्टीन। ये पता है मैं, जैसे मैं तो फटफट फटफट कर देता हूं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा नजर बनानी पड़ेगी। मतलब एक बार नजर सेट हो जाएगी ना, जैसे आप लोगों को याद होगा कि आपने मोबाइल का गेम खेला है, शुरुआत में नजर नहीं बनती ना, इधर दबाओ इधर दबाओ कि इधर वाली गेम दबाओ, तब तक वो वाला उनको मार देता है। और फिर जब अपनी नजर सेट हो जाती है, उसकी बंदूक उठती नहीं है, तब तक अपन उसे लपेट देते हैं। ऐसे ही इसमें, हाँ ये वाला प्लस टू होगा, ये वाला है, ये वाला है, ऐसे। बात तो सही लग रही है, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टू। वेरी गुड बेटे राहुल, ये माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा। हाँ इसका करें तो फोर माइनस फिफ्टीन, फिर इसका इसमें करो तो कितना हो जाएगा? माइनस एट माइनस टेन। फिर इसका पूरे में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये ट्वेल्व प्लस फाइव। तो देखो आंसर कितना आ गया, ये इलेवन टू थ्री फाइव सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन माइनस एटीन और सेवन। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नोट कर लो, आराम से नोट करो, आराम से। सब लोगों को नोट करना है। पढ़ाई का पता है एक तरीका है, आपको याद होगा राष्ट्रगान आपने कभी याद नहीं किया, किया कभी याद, फिर भी आपको याद हो गया। कैसे? असेंबली में आपको जबरदस्ती सुनवाया गया, डेली सुबह खड़ा कर लिया स्कूल वालों ने और कुछ भी गाया, लेकिन लास्ट में राष्ट्रगान जरूर होगा, जनगणमन अधिनायक जय हिंद। तो भारत के हर बच्चे बच्चे को वो याद है। ऐसे ही घर में जो आरती होती है वो भी लगभग सबको याद ही हो जाती है। मम्मी डेली सुनाती है, डेली सुनाती है, डेली सुनाती है, डेली सुनाती है। हम डेली कोशिश करते हैं कुछ भी हो जाए नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन आखिरकार मम्मी जीत जाती है और आप हार जाते हो। आरती याद हो ही जाती है, होता है या नहीं होता? पढ़ाई का भी यही तरीका है, सेम टू सेम जो यहाँ कराया जाए, डेली की डेली करते रहो, डेली की डेली उसकी प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप आने लगेगा। ऐसा नहीं होता अरे सर मुझे मैं समझ ही नहीं आता, जैसे ये कोई कह देता है मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो बड़ा कष्ट हो जाता है उसके ऊपर, बताओ इसने पहले ही सोच बना ली थी समझ में नहीं आता। एक ये होता नहीं, हम समझ के ही रहेंगे, तो वो वाली अप्रोच लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ नोट कर लिया सभी ने, तो ये आप ही लोगों के लिए मैं कह रहा था ये बात। चलो अगला क्या है? देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया मैंने। अच्छा देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या गड़बड़ है, आपने ए बी किया था तो कुछ और आया था, बी ए किया कुछ और आया, तो पहली बात क्या हो गई कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग आते हैं, तो पहली बात तो आ ही हो गया, फिर टू इंटू थ्री थ्री इंटू टू।
तो यहाँ बताया गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉमेटेटिव। नॉट कॉमेटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए बी बी के बराबर जरूरी नहीं कि हो, मतलब हो सकता है, कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं कि ए बी बी ए के इक्वल। आगे चलते हैं, कहते हैं एबीसी एबीसी होना चाहिए, मतलब इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर ए ए बी सी लिखा है तो इसे कभी भी बी ए सी नहीं लिख सकते। मतलब ऐसा आप कर सकते हो कि एबीसी एबीसी लिखा हो और आपका मन करे कि नहीं लास्ट वाले दो का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में करेंगे, या पहले हम दो का करेंगे बाद में करेंगे, ये संभव है, ये संभव है, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। लिखोगे क्या, लिखना चाहोगे, लिख डालो मुझे क्या है? लिख लो, पहली बार वो तो नॉट कॉमेटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, उसको देखना, लिख लो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये है ए बी सी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू बी ए सी, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है ना, ये सही है। वो ऊपर थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो क्या होता है, वही होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव व्हेनेवर बोथ द आर आर डिफाइंड, ये वो क्या करना, वो तो होता ही है। हाँ क्या बेटे, हाँ ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ अच्छी बात है, क्वेश्चन अच्छी बात है। देखो क्या है, अगर बड़ा अलग अलग हो गए, मान लो इसी को अपन अलग लेते हैं, इसी को अपन अलग लेते हैं, माना कि ये वाले को अपन ने ऐसे ले लिया, टू थ्री वन ले लिया और माइनस वन टू थ्री ले लिया और फोर फाइव और सिक्स ले लिया, ये ले लिया। अब यहां करेंगे वन थ्री माइनस टू टू और थ्री माइनस वन, मैंने ये एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यही हुआ ना। तो अब देखो क्या हुआ, अब हम जब इसका मल्टीप्लाई, अब हमें करना क्या है इसमें, ये तो यही तरीका है, तो देखो इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो इसको कहां ले जाओ, तीसरा वाला के कोई है नहीं ना, नहीं आई बात समझ में, आ गई ना, मतलब तीसरे वाले को कहां ले जाओगे, अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है तो अगर यहाँ तीन है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, तीन ही होने चाहिए ना, नहीं तो अगर यहाँ तीन है और यहाँ दो है तो फिर मल्टीप्लाई तीसरे एलिमेंट का किसमें होगा, उसके लिए भी तो तीसरा एलिमेंट चाहिए, तो तीसरा एलिमेंट चाहिए तो यहाँ एक और होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब तक इसकी रो और इसके कॉलम इक्वल नहीं होंगे तब तक मल्टीप्लाई संभव नहीं। हाँ ये भी ठीक है, ये भी देख लो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कोई मतलब नहीं है इसका भी लिखने का, चलो इसमें सीधा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं सीधा तरीके से। देखो क्वेश्चन आप तो अपनी तरफ से जरूर करो, देखो ए स्क्वायर सबसे पहले आया, ए स्क्वायर, और सबसे पहले ए प्लस बी निकालो, तो बेटे ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी कैसे आएगा ध्यान देना, इनका इनका प्लस, तो इसको और इसको प्लस करो तो कितना आएगा तीन, इसका इसका करो तो जीरो, और इसको इसको करो तो, और इसको करो तो थ्री आएगा, यही होगा। अब तेरा समझो ए प्लस बी, ए प्लस बी ये आ गया, अब इन्होंने क्या कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इसी को दो बार लिख दो, इसी बात को दो बार लिख, स्क्वायर का मतलब होता है ना ए इंटू ए, भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए इंटू ए, तो इसी बात को दो बार लिख दो, थ्री जीरो थ्री थ्री, फिर आएगा थ्री जीरो और थ्री, इसका मल्टीप्लाई इसमें लगाते हैं, ऐसा करो बोलो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो आंसर कितना आएगा नाइन, देखो इसका इसमें तो कितना आएगा जीरो, फिर इसका इसमें करो तो जीरो, थ्री का जीरो में जीरो और जीरो पर थ्री में जीरो, बहुत बढ़िया, इसका इसमें करो तो कितना हो जाएगा नाइन, थ्री थ्री या नाइन और थ्री थ्री या नाइन, फिर इसका इसमें तो ये कितना हो जाएगा जीरो प्लस नाइन, तो आंसर बेटे कितना आया, आंसर आया नाइन जीरो एटीन नाइन, यही आया,
लिख डालो आपको, फिर आप लोग खुद ही स्वयं ए स्क्वायर करो। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, सभी लोग कैलकुलेट करो इसमें, पहले इतना नोट करो फिर सभी लोग कैलकुलेट करो। आज मल्टीप्लाई सीख के ही जाना है चाहे कुछ हो जाए। तो आगे बढ़े, ध्यान देना, यहां तक सभी ने लिख लिया आप सभी ने? कहीं कोई दिक्कत आए तो हमें पूछ लेना, हम आके बता देंगे, आपके कॉपी पे आके बता देंगे। बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया था जरा मुझे याद दिलाना, कितना आया था? 9089 यही आया था। अच्छा अब इन्होंने क्या कहा, ए स्क्वायर निकालो। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ए कितना है बेटे, 1 2 -1 3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 -1 3, इनका मल्टीप्लाई करो इसमें, तो बता डालो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, पता है धीरे धीरे डायरेक्ट करना चालू कर दो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन। बहुत बढ़िया, माइनस वन आएगा ना सीधा, देखो इसका इसमें करोगे वन, इसमें से इसको करोगे तो माइनस टू, तो आंसर कितना आया, माइनस वन। अब धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्ट आने लगे, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसका इसमें, तो माइनस वन माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस फोर, फिर इसका इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, फिर इसका इसमें -2 -9, तो आंसर कितना हो गया, -2 9 7, यही आ रहा है सभी का, पक्का आ रहा है ये। अच्छा अब ए भी करना है, तो ए कितना है, ए ए है 1 2 -1 3, और बी जो है दैट इज 2 1 1 0। चलो फटाफट सभी लोग करो मल्टीप्लाई में, चेक कर रहे हैं आप, इसका भी मल्टीप्लाई करो। करो बेटे, नहीं हो रहा, व्यवस्था नहीं बन रही, बनाओ बनाओ व्यवस्था। अभी क्या है, मेरी तो नजर सेट है, मैं तुरंत छटपट कर देता हूं। ऐसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, मतलब ऐसे और ऐसे चलते हैं, तो रो के कॉलम में 2 1 2, फिर हाँ -1 का प्लस करो, हाँ यही तो करना है, ऐसा मल्टीप्लाई ऐसा, मतलब 2 ये और ये कितना हो जाएगा -1, तो ये एक आइटम आएगा, हाँ हो गया तुम्हारा, तुम्हारा हो गया, बी स्क्वायर भी हो गया, इक्वल टू लगाओ, तो क्या कर रहे, बहुत बढ़िया, 2 -1, हाँ बहुत सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया बेटे, ऊपर करो ऊपर, मतलब हाँ 2 AB कर लो, फिर 2 कर लेना, ए भी तो करो पहले, गुड। ये बच्चे एब्सेंट हैं,
तो इनका नंबर लेके इनको कॉल करो, क्यों एब्सेंट है, क्या बात है, ठीक है ना। ठीक, अभी बैच के बाद ये काम करना है, ओके। और तुम और योगेश सर इसी सिलसिले में मुझसे मिलना, बैच के बाद मुझसे दोनों लोग मिलना, आपसे कह देना तुमने बुलाया, योगेश सर को भी ले आना। हाँ हो गया, नॉट इक्वल टू आया, थोड़ी सी दिक्कत है ना, थोड़ी सी मल्टीप्लाई करने में, ज्यादा नहीं है। हुआ बेटे, नहीं हो रहा है? हाँ, नॉट इक्वल टू ही आएगा, प्रूफ भी कुछ करना है। तो देखो ए बी, ए बी ये आया ना, ए बी, अब इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ऐसे फिर ऐसे। तो देखो इसका इसमें टू माइनस वन, तो टू माइनस वन, इसका इसमें मतलब टू प्लस जीरो। अब मुझे बताना मैंने क्या गलती की। हाँ, यहाँ क्या आएगा, वन प्लस जीरो, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा सिक्स प्लस थ्री, सॉरी फोर प्लस थ्री, इसका इसमें करो तो टू प्लस जीरो। तो बेटे आंसर जो आना आ रहा होगा आप लोगों का, वो कितना आ रहा है, वन सेवन वन टू, यही आ रहा है। और ये पीछे भैया बैठे हुए थे वो ये कह रहे थे कि ये ए बी आया, सर टू ए बी कैसे आएगा, टू ए बी भी तो चाहिए अपन को। तो टू ए बी का मतलब समझते हैं ना, टू का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब कि जो लिखा था उसके सारे एलिमेंट में टू का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा टू, इस टू का यहाँ भी होगा कितना होगा टू, 14 और 4, समझ में आ गया 2ab, ये 2ab हो जाएगा, ये 2ab आ गया। आगे बढ़ते हैं 2ab के बाद, अब हमको b स्क्वायर और चाहिए, तो b स्क्वायर कितना आएगा, b स्क्वायर 2110, तो ये हो जाएगा 2110, है ना। इसको भी बड़ा आसान होता है मल्टीप्लाई, अगर एक बार दिमाग मतलब मन में सेट हो जाए तो देखो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, यही आ रहा है, कितनी जल्दी हो जाता है। अगर एक बार आप सही से प्रैक्टिस कर लो तो बस आनंद ही आनंद आता है, ठीक है। अपने यहाँ तो आनंद आता ही आता है, क्यों क्यों आता है अपने यहाँ, अब याली तो आगे चला गया, आनंद ही ले गया ना वो, तो अपने यहाँ तो आनंद है। तो कितने लोग हैं जो यहाँ सेवेंथ एट से पढ़ रहे हैं, नाइन्थ से पढ़ रहे होंगे, अच्छा नाइन्थ वाले तो बहुत हैं, तब से ही आनंद है ना। नहीं आनंद जो कोचिंग में है मुझे लगता है 10 साल हो गए होगा। तो हाँ देखते हैं अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर को प्लस करते हैं। तो मैं प्लस करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को प्लस करने जा रहा हूँ, मतलब टू ए बी। तो ए स्क्वायर कितना है, जरा ध्यान दो, ये रहा ए स्क्वायर, कितना है ए स्क्वायर, माइनस वन माइनस फोर एट और सेवन। टू ए बी कितना है, वो लिखा हुआ था कितना है, टू टू फोर्टीन फोर, और प्लस बी स्क्वायर कितना है, कहाँ गया, फाइव टू और टू वन, यही है। इन सबको प्लस कर दो, माइनस वन माइनस टू और फाइव, तो पांच और दो कितने होते हैं, सात, सात में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा, छह। फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर माइनस और टू कितना, माइनस टू और ये टू, हिसाब किताब जीरो। आठ और चौदह कितना हो गए, चौदह और आठ बाईस इक्कीस, बाईस और दो चौबीस, सात चार ग्यारह और एक हो गया खत्म कहानी। तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, तो लिख दो कि नॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। ऐसे है मल्टीप्लाई, अब तोरा तोरा तो आया ही होगा, तोरा तोरा आया, हाँ चलो अभी आएगा। देखो ये 2015 में क्वेश्चन आया, मल्टीप्लाई में ही आया, तो यहाँ ए प्लस बी की मल्टी वो बताया, तो सबसे पहले ए प्लस बी करो, क्वेश्चन लिखे सभी लोग, वन माइनस वन टू माइनस वन, और यहां पर लिखे प्लस, जल्दी से करें फटाफट, देखें सबसे पहले कौन कर लेता है, ए बी वन माइनस वन, जल्दी से करें फटाफट,
हाँ चला जाए। देखो इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत आसान है। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, देखना इसका मल्टीप्लाई ये करोगे तो कितना हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, ऐसा ही होगा ना a माइनस बी, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटे 1 प्लस 1, क्योंकि ये 1 का इसमें हो जाएगा और ये माइनस 1 का इसमें हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस। यहां तक सही है सब? अब देखना, अब अरे प्लस करने जा रहे हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, हमारी गलती, मान लिया इनका तो प्लस करना था, है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 2 प्लस बी और माइनस 2, ये हो जाएगा, मतलब प्लस कर रहे। अब इसी का करना है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कैसे होगा भैया, ये ए प्लस बी आ गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब यही है कि 1 प्लस ए 0 और 2 प्लस बी माइनस 2, और कितने का ही मल्टीप्लाई इसी में, मतलब 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी माइनस 2, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। देखना अगर ध्यान कहीं की गड़बड़ आ रही हो तो मैं बता रहा हूं, देखना जरा ये, तो इसका मल्टीप्लाई किसमें करोगे 1 प्लस ए में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर इसमें आगे बढ़े तो इस 0 का इसमें 0 किया तो 0 इंटू 2 प्लस बी क्या हो जाएगा 0, फिर इसका इसमें करोगे तो 0, इसका इसमें करोगे तो ये फिर 0 आ गया। यहां देखो इसका मल्टीप्लाई होना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है, तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस ए और 2 प्लस बी, ये वाला मल्टीप्लाई 2 प्लस बी का मल्टीप्लाई 1 प्लस ए में, फिर ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस बी, 2 प्लस बी ये हो जाएगा, फिर 0 को भी हटाओ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये तो 0 हो गया और ये 4 हो गया, यहां तक आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों का यही आया है, कुछ और आया, यही आया ना आप लोगों का कंफर्म चचा, यही आया सबका, किसी को कोई दिक्कत यहां? अच्छा अब देखो क्या करने जा रहे हैं, अब अपन करने जा रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 2 माइनस 1 माइनस 1 और ये भी रहेगा 1 2 माइनस 1 माइनस 1 a, और b क्या रहेगा b रहेगा यही दो बार, मतलब a b 1 माइनस 1 a b 1 माइनस 1 a b 1 और माइनस 1 ये। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें, जरा बताओ कितना आ जाएगा, मतलब 1 का 1 में तो 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 कितना आया 0, फिर इसका इसमें करो 2 माइनस 2 0, फिर इसका इसमें करो तो क्या माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, यही आ रहा है, कहीं दिक्कत हो तो बता देना, वो गांव में कहते हैं ना जाने करी शरम बाके फूटे करम, ठीक है ना, तो शर्माना बिल्कुल नहीं, क्या है यह कि मल्टीप्लाई सब में होता तो एक ही जैसा है ना, एक क्वेश्चन में सीख लिया तो सब में आ गया और नहीं सीखा तो एक में भी नहीं आया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई ए माइनस वन, फिर इसका इस वाले का इसमें ए बी माइनस बी, फिर इसका इसमें बी प्लस वन, ये आ गया, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को अगर प्लस करोगे
इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस वन, और इन दोनों को करोगे तो ये ए माइनस वन आ जाएगा, इन दोनों को करोगे तो ए बी माइनस बी आ जाएगा, और इन दोनों को करोगे तो आ जाएगा बी। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हाँ ज्यादा जल्दी मत ही करें। अच्छा हाँ सही बात है, ये भी बात मानने योग्य है, ज्यादा जल्दी नहीं करो, बिल्कुल है ना, ऐसे ही करेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, तुम जब पहले बनाओ व्यवस्था, देखो कितना आया या नहीं आया, पता आ गया, ज्यादा जल्दी कर देते हैं ना, वो क्या है हमको रट गए हैं। और जैसे तुम्हें वीडियो गेम ज्यादा अच्छा आता है, मुझे नहीं आता है, मैं तुम्हारे साथ खेलूं पक्का, दो सेकंड में चित्तपट, तुम जीते और हम हारे, और इधर मैं जीत जाता हूँ तुम हार जाते हो, मैंने इसमें ज्यादा टाइम डाला है, तुमने उसमें ज्यादा टाइम डाला। अच्छा पिछला साल कैसा रहा है ये बताओ, है बहुत बढ़िया, जो चैन से कटी, चैन से नहीं कटी। अच्छा जिनके घर में मम्मी पापा का कम वो रहता होगा उनका तो बड़ा मजा आया था, मम्मी ने कुछ तो बोला ना पापा, स्कूल वाले तो बोलने की हिम्मत ही नहीं, आएंगे घर में तब तो बोल है, अभी बता रहे हैं सर। अच्छा लास्ट ईयर बड़ा एक्सपेरिमेंटल भी ईयर था है ना, जो कभी जीवन में कर पाया हो, मैंने भी बड़े एक्सपेरिमेंट किए, ऑनलाइन चलाया फिर ऑफलाइन चलाया, स्मार्ट बोर्ड खरीदा फालतू में, मजा है वैसे आएगा, मजा आएगा, दो चार चीजें अच्छी हैं, हैं? अच्छा तो बहुत ऐसे ही आप लोगों ने भी खूब एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऐसा तो नहीं बीच बीच में पहले बोले चलो मैथ्स ले लेते हैं फिर साइंस ले लेते हैं फिर बोले नहीं बायो छोड़ दिया, अरे चलो यूनिटी से, ऐसा ट्राई तो नहीं किया बीच में? अच्छा पक्का मैथ्स मतलब मैथ्स। अच्छा अभी एक बड़ा नया क्वेश्चन आ रहा है, कल एक बच्चा मुझसे कह रहा है टेंथ वालों नाइन्थ वालों से, टेंथ नाइन्थ वाले भी कह रहे टेंथ में आए ऐसे, उनको यही नहीं पता मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड क्या होता है, स्कूल जाते हैं तो टीचर दो दो घंटे दो दो पीरियड पढ़ाए ना एसएसटी, लेकिन है ना मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक बताते रहते हैं, ऐसे ही मैथ्स वाले टीचर भी चार दिन ना पढ़ाए लेकिन बेसिक और स्टैंडर्ड में अंतर बताते रहते हैं, टाइम काटने का अच्छा तरीका है। तो बेचारे बच्चे स्कूल ही नहीं गए, अब वो पूछ रहे हैं सर अब ये बताओ हमारे स्कूल में पूछा गया है कि बेसिक लेना है कि स्टैंडर्ड लेना है, तो हमको यही नहीं पता चलता कि बेसिक क्या होता है स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है। मैंने कहा इससे पहले कभी किसी बच्चे ने नहीं पूछा मुझसे, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज दी गई उनको। अच्छा तुम लोग तो बेसिक स्टैंडर्ड वाले ही थे कि बिना पढ़े लिखे वाले, स्टैंडर्ड वाले थे बेसिक वाले नहीं थे ना। और ये कॉमर्स प्लस मैथ्स वाले कितने लोग हैं, कोई लास्ट ईयर लास्ट टाइम पे तीन चार लड़कियां थी, हमें लगता है तीनों चारों ने सरेंडर कर दिया, बोले छोड़ देते हैं मैं चलो। हाँ बात बताओ, बात बताओ, यहां से देखते हैं बात, ध्यान देना है यहां से, ठीक है। हाँ तुम्हारी क्या समस्या थी बालक, क्या नाम है तुम्हारा, आदित्य राजवर्धन, हाँ बताओ ये ए माइनस वन कैसे आया, ये वाला ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नहीं नहीं प्लस करेंगे, वो ये तो आए तो गया, इसका इसमें करोगे तो देखो ए माइनस भी आया। अच्छा ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाला कर लेते हैं, सही तो है सब, ऑल इज वेल, सही है। अरे ऐसे हुआ ना, अरे देखो ए का मल्टीप्लाई वन में तो ए हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस वन हो गया, तो ए माइनस वन आएगा ना, अरे ये मल्टीप्लाई है ये प्लस है, देखो इसका इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन, फिर इसका इसमें करेंगे तो ए माइनस बी आएगा, ए माइनस वन आएगा, रुक जा यार, हाँ सही तो है, बच्चे को सेटिस्फाइड कर दे, तो बेचारा घर जाएगा तो रात भर उसे याद आएगी, इसी बात मेरे साथ भी हो जाता है ना कभी कभी, अगर कहीं अटक जाए ना सुई अटकी रहती है, फिर कुछ भी करो याद हो जाती है। हाँ बेटे हो गया ना, अरे भाई साहब आना तो कह दो, अच्छा
हो गया कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? अभी मैं आता हूँ तुम्हारी कॉपी पे ही आता हूँ, तब बताता हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। सारी व्यवस्थाएं कूलर चलने लगा दिया। अच्छा नहीं, स्पीकर है। हाँ यहां तक ठीक है, चंगा। अच्छा अब देखना भाई साहब, ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू। अच्छा ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू और आया, ये वाली वैल्यू। इन दोनों को कुछ 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 करना है और आंसर लाना है। ये काम अपन को करना है। पहले तो देखो ये बात चटपट आ गई कि बी की वैल्यू कितनी है। काई के लिए दिमाग लगाया जाए फालतू में, है ना? क्योंकि बराबर बराबर तो कभी बराबर होंगे, सारे एलिमेंट बराबर हो तो बी की वैल्यू हो गई 4। अब रट्टा कहां पड़ा, ए माइनस वन जो है ना वो किसके बराबर होगा? 0 के। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू खत्म। बाकी हमें ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है। चलो फिर मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, पहले आप ये नोट करो। भैया को देख लें कहां पे अटक गए, भैया कहां सुई अटकी हुई है तुम्हारी। ये तुमने लिखा कहां से, ये मल्टीप्लाई किया, ये तो ये क्या है? अच्छा और ये ए बी और 1-1 और ए बी 1-1। हाँ सही है तुम्हारा। और मैं करता हूँ, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, सही है? तो इसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे तो ये कितना आएगा, ए माइनस वन। हो गया, अभी भी हुआ कि नहीं? हो गया। आप लोगों ने नोट कर लिया ये? चलो सब अटने वाला है, अट गया। अगला क्वेश्चन लिख लो बेटे, ये होमवर्क है थोड़ा सा, और होमवर्क लिख लो। आज मैं बीच बीच में होमवर्क को बताता ही रहूंगा। और अगली एक्सरसाइज कौन सी थी, 3.2 आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 3.2 भी होमवर्क है। आगे बढ़ा जाए तो सीडी माइनस एडी का मल्टीप्लाई करना है, कर पाओगे या नहीं? वो नहीं नहीं मैं करता हूँ उसको, है ना? हाँ हाँ हाँ, इसमें तो डी फाइन करना है। चलो 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 मैं फाइन करता हूँ। चलो इसमें क्या लिखा है देखो, ऐसे लिख लो, इसका मतलब ये भी है ना, सीडी इज इक्वल टू ए बी, ऐसे भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सीडी इज इक्वल टू ए बी। तो सीडी यहाँ लिख लेते हैं, सी ये रहा 2, 3, 5, 8 और D यहाँ रहा, A ये रहा 2-1, 3, 4 और ये रहा 5, 2, 7, 4 A B। जरा देख लेना क्वेश्चन सही लिखा है, मतलब सारी मैट्रिक्स कॉपी सही हुई है कि नहीं, कॉपी पेस्ट सही हुई है या नहीं, ये देख लेना सही हुई है पक्का, अब ध्यान देना ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कहीं दिक्कत हो तो बता देना, अपनी बात है घर की बात है ना, कहीं भी दिक्कत आए तो बता देना, शर्माने वाली कोई बात नहीं। ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जरा देखना। एक्चुअल में ये तो तुम सबको पता ही है, तुम इसका मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आएगा, 10-7, 3 4-4, 0 15-28, 15+28, 43 और 6+16, 22 यही आ रहा है। अब इस समस्या, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपोर्टेंट, क्या अच्छा है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है।
यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है, यहाँ तक सबको आ गया, क्योंकि यहाँ तक आया होगा ना तभी आगे कुछ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो है क्या, ये हो गया कितना 10-7, तो मतलब इसका इसमें 10-7 कितना हो जाएगा 3, 4-4 0 हो जाएगा, ये 15 और प्लस 14 है ना, नहीं 28, तो ये 43 हो जाएगा, और ये 6 और 16 22 हो जाएगा। सही है यहाँ तक, सबका हो गया यहाँ तक। अच्छा अब समझना बात, हाँ बोलो, ठीक है ना। अब मुद्दा बड़ा गंभीर फंस रहा है, क्या गंभीर बात आ रही है, बात ये आ रही है कि ये तो सर ठीक है, ये 2-5 है और 3-8 है, तो सर डी कैसे आएगी, ये ऐसा तो है नहीं कि इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड आपने सर पढ़ाया भी नहीं है, आपने क्या क्या पढ़ाया, प्लस पढ़ाया, माइनस पढ़ाया और मल्टीप्लाई पढ़ाया, और यहाँ डिवाइड होता भी नहीं, यहाँ इनवर्स होता है, इनवर्स निकालना भी सिखाया नहीं, तो क्वेश्चन आ गया क्या किया जाए। और डी क्या है, डी क्या है, डी भी एक मैट्रिक्स है। अच्छा डी अगर एक मैट्रिक्स है तो इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ, 2x2 की होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 2x2 की अगर होगी तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, क्योंकि ये 2x2 की है और रिजल्ट भी 2x2 का है, तो कहते हैं इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल होना चाहिए, और एक और बात कहते हैं कि आंसर वही आता है जो इसका फर्स्ट और लास्ट होता है, तो लास्ट क्या है 2 है, मतलब यहाँ 2 आना चाहिए, तो ये हो गया, ठीक है ना 2 है। अच्छा 2x2 में कितने एलिमेंट होते हैं, 4, तो इनके नाम दे दो क्या, ए बी सी, लेट अस अज्यूम द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स डी इज ए बी सी डी, तो मतलब अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी सी डी की 4 वैल्यू निकाल, अब इनका करते हैं मल्टीप्लाई चुपकी से, किसी को बताना नहीं, तो इनका मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान देना, तो जब इनका मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 2a+5c, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 2b+5d, बहुत बढ़िया, फिर इसका मल्टीप्लाई 3a+8c, और यहाँ क्या हो जाएगा 3b+8d, यही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं यहीं पर, तो ये हो गया 3043 और 22, ठीक है बच्चा लोग, अब बात समझना है, अब बात को क्या करना है, बहुत गौर से समझना है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये कितना आएगा 2a+5c जो है ना वो किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर, और 3a+8c जो है वो किसके बराबर आया, 43 के बराबर। एक कहानी तो ये आ गई, और दूसरी कहानी कितनी आई, 2b+5d जो है वो किसके बराबर है, 0 के, और 3b+8d जो है वो किसके बराबर है, 22। इन दोनों को सॉल्व करने से a और c की वैल्यू आएगी, इन दोनों को सॉल्व करने से b और d की वैल्यू आएगी। ऊपर वाले को तुम सॉल्व करो, नीचे वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ऊपर वाले में कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6b+15d = 0, और ये हो जाएगा 6b+16d = 0, नहीं 22, सही है, माइनस माइनस माइनस, ये कट से कट गया, -d = -22, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 22, और d की वैल्यू यहां रख दो, यहां क्या, अच्छा ये 2 का मल्टीप्लाई यहां पे भी हो जाएगा, है ना, सही कह रहे 42। तो यहां से d = 44,
अच्छा टी की वैल्यू यहाँ रखो तो बी की वैल्यू माइनस में आएगी, है ना, और 44 में 22, 5 2 10, 5 2 110 आ रही है। देखो बी की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस 110 आ रही होगी। ये तो बी और डी की वैल्यू आ गई, अब काय की वैल्यू चाहिए आपको, है सी और डी की वैल्यू निकालो। हाँ मेरे तो सही है 44 और माइनस 110, तुम बताओ बी और डी तो मैंने निकाल लिया, तुम और ए और सी बताओ, ए कितना है, ए कितना है भाई माइनस 191 और बी कितना है 77, बिल्कुल माइनस 191 और 77 बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड हो गया। तो अब आपको डी चाहिए थी, तो डी पता है आंसर कितना हुआ, डी का आंसर हुआ माइनस 191, फिर क्या आता है सी 77, माइनस 110 और 44 डी। अच्छा क्वेश्चन निकला ना, अब मैं होमवर्क दे देता तो आप वापस आ जाते, बोले बताओ। हाँ किसी को कोई दिक्कत, बोलो बालक, बिल्कुल नहीं, ठीक चलो चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है हाँ चलो करो। मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो पहले किसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए, पहले तुम्हें याद होगा जो मैंने बताया था कि ए बी सी लिखा हो तो कोई जरूरी नहीं है, पहले दो का कर लो फिर लास्ट का कर लो, या पहले दो लास्ट का कर लो फिर बाद में लास्ट का कर लो, जो मर्जी करे वो कर लो। तो बताओ क्या करूं मैं, पहले दो का कर लो। अच्छा पहले दो में ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने जा रहा हूँ, ये कितने बाई कितने का, 1/3 का, ये 3/1 का, सुनो 3/3 का, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट इक्वल है, मतलब इसके कॉलम और इसका रो इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, और रिजल्ट कैसा आएगा 1/3 का रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा 1/3 का रिजल्ट आएगा, उसे करते हैं 1/3 का आ रहा है नहीं आ रहा, ध्यान देते हैं इसका मल्टीप्लाई ऐसे करते हो, इस रो का पूरा मल्टीप्लाई, इसमें R1 है, इसमें जरूर है C1 है C2 है C3 है, तो R1 का मल्टीप्लाई सब में होगा, C1 में होगा C2 में होगा C3 में होगा, पर R2 है नहीं, तो R1 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करने जा रहा हूँ, बता डालो आप कितना आ रहा है, बोलो 1+2x+, बोलो, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, अरे 17 आ रहा है, कितना आ रहा है 15 आ रहा है, नहीं नहीं 15 नहीं आ रहा, अरे 15 आ रहा है, गौर से देखो एकदम ऐसे कर दीजिए, ऐसे ही करके 15 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, फिर 1/5 में 15 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा बताओ बेटे, 3+5x+ इस पूरे का इस पूरे में, फिर इस पूरे का इस पूरे में कितना हो गया 2+x+2, ये 1, 2, x, और ये जीरो नहीं लिखा, ये क्या लिखा, ओफ लिखा, ओफ, तो ये हुआ क्या, ये हो जाएगा 2x+16, ये हो जाएगा 5x+6, फिर ये हो जाएगा x+4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करने जा रहे हैं 1, 2, x, ओए वो चिकता है रहा हूँ 1, 2, x, हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा गलत हो गया, क्या गलती हुई, सब लोग दिमाग लगाओ, मैंने जिनने लगा लिया उन्हें कोई बात नहीं, जिनने नहीं लगाया वो दिमाग लगा, क्योंकि पता है अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा,
क्योंकि ये अगर आपकी है 3/1 की और ये कितनी है 3/1 की, ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल होना चाहिए, वो है ही नहीं। अच्छा पहली बात, दूसरी बात देखें क्या ये आंसर सही है। मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपना आंसर आना कितने बाई कितने का चाहिए था, 1/3 का आना चाहिए, लेकिन आया कितने का, 3/1 का आ गया। हो गया पूरा कुछ गड़बड़ हो गया। अब दिमाग लगाओ कि गलती कहां हुई, यही गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। देखो मैं बताता हूँ कहां से गलती हुई। सब कुछ सही लिखा है, ऑर्डर ऑर्डर गड़बड़ है, और ये ऑर्डर भी बहुत बार बच्चों से गलती होती है। देखो मैं बताता हूँ कहां पे, ये जो लिखा है सब सही लिखा है, ये यही आएगा। ओ हट जा भाई, हटा ही देते हैं, चलो सभी हटा देते। अब देखो क्या गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी ये हुई कि इसका मल्टीप्लाई यहां होगा तो कहां पर आएगा, ये आ जाएगा 1 + 2x + 15। यहां से लेते हैं तो बन पाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई यहां पर आएगा तो कितना हो जाएगा बताओ बेटे, 1 + 2x + 15। तो कॉमा लगा दिया, वैसे कॉमा आता नहीं है। अब अगला देखना, अब इसका मल्टीप्लाई यहां तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 5x + 3। फिर एक और आएगा, कितना आएगा, 2 + x + 2। तो अब ये सही आया, इसका ऑर्डर देखो 1/3 का और ये ऑर्डर है 3/1 का, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट इक्वल है, तो रिजल्ट आएगा बिल्कुल पक्का आएगा। और कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी, अब 1/1 की आएगी, मतलब एक ही आंसर एक ही आएगा। इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो ये कितना होता जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2x + 15, मतलब इस वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसमें, इस वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसमें, तो कर डालो जरा कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 6 + 10x + 6। फिर इस वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 2x, और रिजल्ट में क्या आया, 0 या बोलें कि O। इन सबको प्लस कर डालो, जल्दी से बता डालो, 2x, 10x और 4x कितना हुआ, 16x, और एक x² भी कहीं दिख रहा है। तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो 6 और 6 12 12 और 1 13 13 और 15 28। तो 28 जो है वो किसके बराबर हुआ, 0 0 भी एक मैट्रिक्स है 0/0 के। x² + 16x + 28 = 0, ये बराबर हो गया। इसके फैक्टर करो, 14 2 जा कितना होता है, 14 2 जा 28, तो बस कर डालो, दो आंसर आ गए। कितने कितने आंसर आ गए, एक x + 14 आ गया और एक x + 2 आ गया, तो एक x की वैल्यू -14 आ गई और एक x की वैल्यू -2 आ गई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बड़े इत्मीनान से इसे नोट कर दो, सभी लोगों को नोट करना है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटे, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, वो एक काम करें कि ये ऐप जो है वो वेब वर्जन करवा लें। योगेश सर से फोन करके वेबसाइट पर आ जाएं। वेबसाइट पर आने का मतलब क्या हुआ कि आप लैपटॉप पे या उस पे देख सकते हैं, और उस पे अगर ये चलाओगे तो आपका सीधा यूट्यूब चल जाएगा, और यूट्यूब चलने का ये फायदा है कि आप कमेंट लिख पाएंगे अगर वहां से कोई दिक्कत आती है तो। अभी मैं क्लास ऑनलाइन भी चला रहा हूँ पैरेलल, देखा है क्या ऐप, आप लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, सबने ऐप डाउनलोड नहीं किया मुझे लगता, कितने लोगों ने नहीं किया, नहीं किया, अभी तुम तो आज ही आए हो। तो ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर जब आप घर पहुंचते हो उससे पहले पहुंच जाते हैं आपके पास,
तो सारा रिकॉर्डेड लेक्चर मैक पर भी पहुंच जाता है। रिकॉर्डेड मैटर जो है ना अभी हेल्प नहीं करता, रिकॉर्डेड मैटर हेल्प करता है जब एग्जाम के हम बहुत करीब हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे यार ये वाला चैप्टर को बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किया, ये कैसे होगा। तो चलता है कि चलो एक काम करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आराम हो जाती है। और मैं एक बात जो कहता हूँ ना, ये सारे पीपीटी फेयर कॉपी में बिल्कुल बनाते चलो। बात उसका कारण है कि बाद में अगर कभी रिकॉर्डेड भी देखोगे ना, तो सेम टू सेम मिलेगा, मतलब जो पढ़ा था। फिर पता है एक एक वीडियो आप लगभग लगभग आधा घंटे में देख लोगे, जो 2 घंटे का होता है ना, आपको सीक्वेंस पता है क्या, कि जैसे आपने कॉपी पलटी, आपको 10 क्वेश्चन आ गए, 11वां नहीं आया, तो आप वीडियो में जाके कहां पे पहुंचोगे, 11वें भी तो पहुंचोगे कि यही नहीं आता था, 11वें भी पहुंचोगे, तो आप खत्म हो जाएगा जल्दी से, आपका रिविजन हो जाएगा। और अगर आपने अभी नहीं लिखा तो सब दोबारा लिखना पड़ेगा, फिर दोबारा देखना पड़ेगा। आजकल जो 12th वाले हैं, जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, लिख लिया सभी ने? हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा, के की वैल्यू निकालनी है और इसकी फेयर कॉपी बनाना है आपको। हाँ, इस वाले में इनटू समझ में नहीं आया, पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला, ये बेटे ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड वाला ये मल्टीप्लाई पूरा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसमें हो जाएगा, तो ये लिख दिया, फिर प्लस लगता है इसका, इसमें हो जाएगा, इस पूरे का इसमें हो जाएगा, तो ये वाला हो गया, फिर इस तीसरे का इसमें हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर, ठीक है ना? सीधा साधा है, ज्यादा कुछ है ना। अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना, जो मैंने एनसीईआरटी दिया है आपको होमवर्क, तो कुछ समस्याएं भी आएंगी, कुछ अच्छा भी लगेगा, करना जरूर लगेगा। चलो, करना जरूर जरूर। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो बेटे, और सॉल्व भी करना है। a² अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है सर, स्क्वायर कर दिया, ये बन, ये 0, ये 49। ए स्क्वायर का मतलब होता है 1 - 1 = 7, और इसी का इसी में मल्टीप्लाई, 1 - 1 = 7। चलो बताओ बेटे कितना आंसर आ रहा है, 1, फिर कितना आ रहा है 0, फिर कितना आ रहा है -8, फिर कितना आ रहा है 49। देखो यही आ रहा है स्क्वायर सभी का, देख लो यही आ रहा है, ठीक है? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया, बताते रहे ना। अच्छा, ये ए स्क्वायर हो गया, अच्छा वो किसके बराबर है, 8a, तो 8a कहाँ गया, 8a, 1 0 - 1 7, और प्लस के आई, अच्छा के होता है कांस्टेंट और आई होता है 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये वाली 3/2 की है, ये 2/2 की है, तो ये भी 2/2 की होगी, अगर ये 3/3 की होती, ये 3/3, तो ये बाय डिफॉल्ट 3/3 की हो जाती है ना, इसके साथ ऐसा है, तो ये हो जाएगा 1 0 - 8 49, और ये हो जाएगा बेटे 8 - 8 0, और 8 7 जा 56, प्लस के 0 0 के। अब बराबर कर लो, देखो 1 किसके बराबर होगा, 8 प्लस k के बराबर है, गेम ओवर हो गया था, k इज इक्वल टू, ओ पता उन्होंने सही है या गलत है, तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, देखते हैं है ना, एक जगह और हो सकता है, ये 49 इज इक्वल टू 56 प्लस k, तो देखो फिर k इज इक्वल टू, यहां से भी -7 ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल एकदम सही आंसर है, कहीं कोई गलती नहीं। चलो आगे बढ़ा जाए, चलें पबजी अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है? चल रहा है, बंद हो गया तो कोरियन वर्जन आ गया नया, अच्छा चाइना वाला बंद हो गया, चलो
ऐसा भी घूम के आ गया मतलब दूसरे तरफ से। चले आगे, जब मैंने ये बोर्ड मंगाया था तो ये भी चाइना मेड इन चाइना वाला है, लेकिन फिर चाइना से आना बंद हो गया, तो फिर पता है ये ताइवान गया, फिर ताइवान से मेड इन ताइवान लिख के आया है। क्या गजब चीजें हैं। आगे बढ़ो, हो गया यहाँ तक? और अर्थ बाबू ठीक है, सब बढ़िया, बाल बच्चे मजे में? नहीं मजे में, अर्थ आया नहीं? कौन अर्थ? अर्थ भी तो तमाम है, मैं तो लास्ट वाले अर्थ की बात कर रहा हूँ। और कौन सा अर्थ है? एक अर्थ ये है, अरे वो हर्ष तोमर घूम तो आता है, कहाँ है वो? एक तो हर्ष ये बेटा, ये भगवान, कितने हर्ष हैं जरा हाथ ऊपर करना। एक दो तीन चार पांच छह, एक और ये ठीक है, दो एक कम भी बने रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब सबको हर्ष ही नाम रखने को मिला, दूसरा नहीं मिला। मुझे मेरे नाम वाले भी कम मिलते हैं। प्रदीप किसका नाम है? मेरे ही नाम, यूं की चीज बनाऊं मुझे। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लाया जाए। हैं? करो, देखें कितने लोग कर लेते हैं। हैं? हाँ, एबीसी वाला, बिल्कुल सही पकड़े हो एकदम। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ देखो, ये ए का पहले ऑर्डर देखा जाए तो ये कितने बाई कितने का है? ये है 3/2 का। तो ए कितने की होनी चाहिए? कहते हैं इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल होता है, तो 2y कुछ होगा, 2y कुछ कुछ होगा। तो रिजल्ट कितना है? 3/3 का। तो 2/3 का होना चाहिए। तो अब की बार तो चक्कर पड़ गया बेटे, 2-1=0-3, 4, और यहाँ 2/3 आएगा, तो कितना आएगा? 2/3 ए बी एक्स वाई एल एम 2/3 इज इक्वल टू -1, -8, -10, फिर होगा 1-2, -5, फिर हो जाएगा 9, 22, और 15। अब इनके मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगी, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आ जाएगा बेटे? 2a+-b, ये आ जाएगा ऐसे वाला, फिर ये आ जाएगा 2x-y, फिर हो जाएगा 2l-n, फिर आइसन वाला आइसन, तो ये a आ जाएगा, a+0, फिर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ये वाले का मल्टीप्लाई इस वाले में, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इस वाले में, l आ जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, मतलब -3a+4b, फिर ये हो जाएगा माइनस, फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आसान पड़ गया है ना, मतलब ए बी सी की ए एक्स एल की तो वैल्यू ऐसे ही आ गई सीधी सीधी है ना, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू -2 हो जाएगी, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का कंपेयर सीधा बहुत धड़ाम से उड़ा, धड़ाम से -3l+4m इज इक्वल टू -1, -8, -10। और मैं पता है पहले जब मैंने शुरू किया मुझे लगा ये तो कठिन पड़ेगा, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन हो गई, तो इसमें आसान हो गया। क्या क्या आसान हो गया? ए की वैल्यू बेटे कितनी आ गई? 1, बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और एल की वैल्यू -5, आधी वैल्यू आ गई, आधी वैसे ही आ जाएंगी, 2a-b कितना है? किसके बराबर है? -1। ए की वैल्यू 1 रखोगे, बी की वैल्यू कितनी आ गई? -3, मतलब बी की वैल्यू 3 आ रही होगी। कर पाओगे आप सभी लोग? सब निकल आएगा भाई साहब, समझ आया? जहां नहीं समझ में आए, हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं चचा, कैपिटल ए है, पूरी मैट्रिक्स पूछी गई, ए बी सी डी ये सब निकालने, ए बी एक्स वाई सब निकालने, फिर इनकी वैल्यू यहाँ पटकनी है, तब ये आएगा ठीक है। हाँ एग्जाम में ऐसा ना करना तो पता चले। एक ये मैथ से यहाँ स्मॉल ए कैपिटल ए का भी अंतर ही होता है।
अरे राम, बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है, बुढ़ापा काटना। बुढ़ापा काटना क्या होता है? बड़ा कठिन। बातें बातें कर लो, पानी वानी पी लो, बहुत हो गया। तुम इतने में पक गए हो, लगे मल्टीप्लाई, लगे मल्टीप्लाई, है ना, बहुत मल्टीप्लाई हो गया। टॉपिक बदला जाए या मल्टीप्लाई खेलने की? बहुत जल्दी बदलने वाला है, ठीक है ना, कर लो। पहले एक दूसरे से समझ लो, बातें कर लो। एक ब्रेक दे दिया मैंने तुम लोगों को, पत्या लो, नहीं तो तुम्हें लगेगा बातें करने का तो मौका ही नहीं दिया। एक दूसरे से दुख सुख की बातें करें। और ढोकला कहाँ है? ढोकला, ढोकला आजकल बड़ा शांत है, क्या बात है? क्या बात है, डोसा बन नहीं रहा? घर वालों ने मारा है? आप तभी सूजी लग रही है, क्यों ढोकला? घर वालों ने मारा क्या? घर वालों के क्या हाल है? जरूरत है मेरी? हाँ, क्या पिस्टल है? चलाओ मत बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम? एक तुम्हारे ही टाइप आदमी गया बॉर्डर पे, बोले हम तो युद्ध करेंगे। उसको बंदूक चलाने नहीं आती थी, तो वह पाकिस्तान बॉर्डर पे ले गए। बोले चला बंदूक, उल्टी चले या सीधी चले, होगा देश का ही भला। हाँ, पाकिस्तानी मरेगा तो देश का भला, और तुम जाओगे तो भी देश का। चले स्टार्ट किया जाए। बोलते बोलते मास्क के नीचे आ जाता है। हाँ, बस करें, मतलब एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होगे क्वेश्चन, ये कैसे आया, क्या है, कि कुछ और बातें कर रहे थे। चलो अच्छा, वापस आ जाओ, कुछ पढ़ लिख लेते हैं ना। कभी कभी तो समझ नहीं आता जीवन का उद्देश्य क्या। ज्यादा पढ़ लो तो समझ नहीं आता आप करेंगे क्या। टॉप करने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री को कुर्सी बैठा दिया जाए, ठीक है। पैसे भी कमा लो तो भी लोग टेंशन में रहते हैं, मतलब पड़ोस वाले, और तुम कुछ ना करो तो पड़ोसी टेंशन में, बोले यार कुछ करता नहीं है, पूरे दिन घर पे रहता है। तो बड़े मुद्दे है ना, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। तुम लोगों से कहा जाता होगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना, घर वाले कहते कि नहीं कहते? कहते हैं ना। एक बच्चा अपने ही आंख से पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छा टॉपर, अच्छा पढ़ता। मैंने अभी की बात है, 5-6 दिन पहले मुझे मिला, उसका दिमाग यहां से कुछ अटक गया। बैठी बात है, मुझे बड़ा दया आया। मैंने कंटे तो बट्टी, क्या होता है कि आप हमारे बच्चे ही हैं, मतलब बहुत टाइम जुड़ा रहता है आप लोगों के साथ। एक साल तो हम लगभग मिलते ही हैं, डेली मिलते हैं, मतलब जब आप एक साथ पढ़ते हो उससे तो एक साल तो पढ़ते ही हैं, डेली मिलना होता है एक दूसरे से बात करके। दूसरा क्या होता है कि शिक्षक और बच्चे का एक संबंध 1-1.5 साल के लिए बड़ा अच्छा बन जाता है, बहुत प्यारा बन जाता है। मतलब तुम अपना दुख सुख और मैं भी
मैं तो अपना दुख सुख कहता ही रहता हूँ, मेरे साथ तो एक समस्या है कि जब मुझे पूरे दिन पढ़ाना ही पढ़ाना है तो मैं अपनी बात भी कैसे कहूंगा जाकर, तो मैं तुम लोगों को बताता ही रहता हूँ। तो अब वो बच्चा मुझे मिल गया, इसमें मैं वॉकिंग कर रहा था तो बड़ी स्थिति खराब, झुके पैर छूने के लिए फिर ना छूए, फिर झुके फिर नहीं। मैंने कहा बेटे समस्या क्या आई है? सर मैं बहुत अच्छा पढ़ता था। मैंने कहा ये बात तो मैं मानता हूँ, तुम अच्छा पढ़ते थे और तुमने मेंस भी निकाली थी, एनडीए भी निकाला था, तुम अच्छा पढ़ते थे, ये तो मैं मानता हूँ, समस्या क्या है ये बताओ? तो मुझे नहीं पता था कि इसके साथ ऐसी समस्या है। सर मेरा मोबाइल खराब हो गया है, दिखाओ क्या खराब हो गया। सर जी रख लो आप, मुझे अपना दे दो। तो मैंने कहा बेटे मैं अभी मोबाइल लेके ही नहीं आया, वॉकिंग करने जाता हूँ, मोबाइल को है साथ में लेके जाता हूँ, फालतू के लफड़े हैं ना मोबाइल वोबाइल। अपन करने गए वॉकिंग और वहां किसी का फोन आ गया, आप आधे घंटे बात ही करने को खत्म हो गया था, घर पे ही लग जाओ, चिल्लाता रहेगा, लौट के आएंगे तब। तो मैंने कहा मैं लेके नहीं आया, वो कोई भी दिला दो सर, आपके यहाँ पुराना वराना कुछ भी डलाओ। तो मैंने कहा इसमें क्या समस्या? अच्छा उसका मोबाइल अच्छा था, मेरे पास जो मोबाइल है मतलब मेरा छोड़ ज्यादा ठीक है। तो बाकी हमारी कोचिंग पे मान लो 8-10, 7-8 मोबाइल तो रहते ही हैं सब लोगों के अलग अलग, मतलब बंदा बदल जाता है मोबाइल वही रहता है। तो मैंने कहा कोई भी दिला दूंगा मैं, फिर मैं धीरे 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 समझा कि वो कुछ डिप्रेशन में है। तो मैं 2-3 दिन से फिर वो बोला कि सर मुझे मोबाइल दिला दो, मैं और क्या चाहिए बोले। फिर मुझे गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं क्या चाहिए बोले ईयरबड चाहिए। मैंने कहा यार वो तो बेकार होते हैं ईयरबड, तुम तो कहीं भी गिर सकते हैं ना, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो कान से निकल के गिर सकते हैं। फिर मैंने उसकी समस्या सुनी, फिर मैंने कुछ उसको पहले दिलाया ईयरबड्स दिलाए, मैंने कहा मोबाइल बात करते हैं, उससे बात को करते हैं। धीरे धीरे अब मैं उसे पढ़ने की तरफ मोड़ रहा हूँ, कैसे भी क्या हो जाए वो पढ़ना चालू हो जाए, अच्छा खासा होशियार बच्चा और हो जाता है। पता नहीं ये लॉकडाउन का ही असर था, हाँ लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें आई और वो सुशांत केस पढ़ के बच्चे भी ज्यादा डिप्रेस हो गए। सुशांत वाला के अच्छा एक तो क्या मीडिया ने भी लॉकडाउन में कुछ नहीं दिखाया, केवल सुशांत अच्छा रिया, हाँ तुम्हें वो भी याद है ना? वो भी याद है तुम्हें, उसका तो खानदान पता चल गया होगा तुमको है। और इसके बाद बस कोरोना यही चला और कुछ नहीं चला, और सारे शो वो भी सब बंद ही हो गई है ना। ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, आओ अपन करते हैं ना। मैं समझ रहा था कि आप परेशान हैं इसलिए मैं फालतू के मुद्दे मैंने छेड़े है ना, मेरा मतलब इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, बस उस बच्चे के बारे में तो याद आ गई तो मैंने बता दिया। अब चले आगे, ठीक है अब समझ रहा है ये क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखो ये इनवर्स निकालने का वन ऑफ द थ्री मतलब तीन में से कोई एक मेथड है इनवर्स निकालने का, तीन में से कोई एक मेथड है, मतलब तीन मेथड है। आज मैं इनवर्स निकालने का पहला मेथड बताने जा रहा हूं कि ए इनवर्स मतलब डिवाइड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, क्या आपको काम करना होगा? आपको काम ये करना होगा कि ए स्क्वायर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ए स्क्वायर निकालना होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब ये आपको करना है 3, 1, -1, 2, ये फटाफट 3, 1, -1, 2 ये आपको जल्दी से करना है, फिर बाकी सब मैं कर दूंगा। ये आप सभी को करना है, मैं नहीं करूंगा इसको है ना, ध्यान रख लेना, मैं तो डायरेक्ट यहां पे पुट करूंगा। चलो मैं जिससे पूछूं वही बताना। पहला एलिमेंट तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा भले इंसान? आयुष बताओ पहला एलिमेंट। अरे ऐसा पहला एलिमेंट यार, इतने यहां क्या लिखना है? 9 बच्चों, 9 लिखना है क्या है? 8 आएगा, क्या आएगा? ये हो जाएगा ना 9-1 8,
फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये बात राजगर्धन बताएंगे, हैं? फाइव, तीन दो पांच, हाँ सही कह रहे, पांच है, क्या आएगा, पांच, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हाँ क्या कह रहा, आई टू, हाँ अभी मैं बताऊंगा, पहुंचने दो ना, इतनी जल्दी क्यों चुप रहे, हाँ थर्ड एलिमेंट तुम बताओ, चचा जान, माइनस फाइव, माइनस टू, माइनस टू, माइनस फोर आ रहा है, माइनस फाइव आएगा, माइनस फाइव आएगा, पक्का, चलो मान लेते हैं माइनस फाइव आएगा, बिल्कुल बच्चे सही बोल रहे हैं, कितना आएगा, माइनस फाइव आएगा, हाँ, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस वन और फोर, यही आ रहा है क्या, माइनस फाइव, ए, ए कितना हुआ, थ्री, वन, माइनस वन, टू, प्लस सेवन, आई टू, ध्यान से सुनो, इसी को मैं लिखने जा रहा हूं, बहुत समस्या थी ना, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और टू का मतलब है ऑर्डर टू बाई टू का, ऑर्डर टू बाई टू का होगा, मतलब वन जीरो जीरो वन, ये होगा आई टू का मतलब, ये होगा, अब इनका कुछ 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 कर डालते हैं, कुछ 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 कुछ, क्या जीरो आएगा तो कर ही लोगे, बताओ देखो कितना आ रहा है, एट फाइव, माइनस फाइव, थ्री, और ये हो जाएगा बेटे प्लस, इस माइनस फाइव का इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस फिफ्टीन, माइनस फाइव, प्लस फाइव, टेन, वो भी नेगेटिव, और ये हो जाएगा सेवन जीरो जीरो सेवन, और बेटे ये कितना हो जाएगा, एट माइनस फिफ्टीन प्लस सेवन, और फाइव माइनस फाइव प्लस जीरो, और माइनस फाइव प्लस फाइव प्लस जीरो, और थ्री माइनस टेन प्लस सेवन, जब पढ़ दो जीरो 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 जीरो, ज्यादा स्पीड दिख गई क्या, हैं कि बाउंसर जा रहे हो रहे हैं ना बर्दाश्त, चलो कर लो बर्दाश्त, जीरो 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 हो गया, चलो ये फालतू की बात थी, ये आपको प्रूव करना था, अब बात आती है इनवर्स, मैं हटा दूं इसको क्या, हैं और एक बार बताएं, आई टू एक बार और बता दें, देखो बेटे अभी पिछले लेक्चर निकल गए ना आपके, इसलिए आपका आई टू निकल गया है ना, तो सुनो आई क्या होता है, आइडेंटिटी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आएगा जब बताएंगे, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है हमें तो पता ही होगा, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ऐसे वन जीरो जीरो वन ऐसे होती है, ये आई टू कहलाता है, अगर आई थ्री होगा ना आई थ्री, तो डायगोनल एलिमेंट जो है वो तो केवल आई थ्री का मतलब होता है जीरो वन जीरो 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 वन, मतलब डायगोनल एलिमेंट वन वन होते हैं सारे जीरो होते हैं, ये आई का मतलब होता है, तो आई टू का मतलब दो बाई दो, आई थ्री का मतलब थ्री बाई थ्री, आई फोर का मतलब फोर बाई फोर है ना, और आई वन का मतलब क्या होगा, मात्र वन, मात्र वन, क्योंकि और एलिमेंट होंगे ही नहीं इसमें, ठीक है, और आई की वैल्यू भी मैंने बताई थी तुम लोगों को, कितनी होती है आई की वैल्यू, कितनी होती है, वन होती है, मैंने हाँ बिल्कुल सही बताया, वन होती है, तो चलो यहां तक आ गए अपन, अच्छा अब मैं बिल्कुल रफ करने जा रहा हूँ ये सब गया, अब सुनो ध्यान से, ए स्क्वायर निकालना है, ये तो अभी पहले क्या था कि अगर ऐसा है तो ये प्रूफ करो, तो अपन ने प्रूफ कर दिया, अब ये वाला मुद्दा रह गया क्या, फाइंड इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकाल, ये कहा गया, तो इनवर्स निकालने के लिए देखो ये लिखा ए स्क्वायर, ये लिखा फाइव ए, ये लिखा सेवन आई, ऐसे आई टू लिखो या आई लिखो बात एक ही है, क्योंकि पिछले साइड किसी क्वेश्चन में अपन ने आई, ये भी आई था, तो अपन उसे आई टू ही समझ के चले थे ना, वो डिपेंड कर, तो जब ऐसा मिल जाए और इनवर्स निकालना हो तो ध्यान देना करते क्या है, जब ऐसा मिल जाए और इनवर्स निकालना हो तो ध्यान देना करते क्या है, कुछ नहीं करते, केवल एक का पूरे में डिवाइड कर देते हैं, फाइव का डिवाइड कर देते हैं, अब सुनना जब एक का एक में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो
फाइव आई, आई की वैल्यू क्या होती है? वन। वैसे फाइव ए से ए काट दोगे तो आंसर क्या आएगा? वन। आया कि सर आई लिखा क्यों? क्या अकेले फाइव से आप खुश नहीं हो रहे थे? फाइव से आप खुश नहीं हो रहे थे भाई, ए से कट जाता फाइव आ जाता, आई क्यों आ गया सर? हमको अच्छा नहीं लग रहा। और फिर यहां से आपने आई गायब कर दिया, ए इनवर्स आ गया। ये बात तो ठीक है, जैसे सेवन लिखा है, ए नीचे लिखा है तो ए इनवर्स हो जाएगा। आई कहां गायब हो गया? तो आई की वैल्यू क्या होती है? बस तो मुद्दा ये आता है, आपने आई यहां लिखा क्यों? लिखा आपने इस जगह आई, बताओ क्यों लिखा? माइनस फाइव कोई मैट्रिक्स नहीं होगा, बिल्कुल सही। देखो ये मैट्रिक्स का प्लस चल रहा है, और आपको याद करो मैंने ये बताया था कि मैट्रिक्स का प्लस कब संभव है? जब उनके ऑर्डर सेम हो। वेरी गुड, जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो ये तो कभी प्लस पॉसिबल होगा ही नहीं, जो ये लिखा हुआ है ये तो कभी होगा ही नहीं। अगर यहाँ पर सेवन लिखा होता, मात्र सेवन लिखा होता मात्र, तो ये कभी प्लस होता ही नहीं, मतलब ये गलत था। ये कब संभव था? जब इसका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर लाने के लिए अपन इसकी जगह क्या लाए? आई। और आई का ऑर्डर क्या होगा ये डिसाइड करता है ए। तो ए का ऑर्डर कितना है? टू बाई टू। तो आई का भी ऑर्डर कितना होगा? टू बाई टू। ठीक है, इसलिए अपन को आई यहां लिखना पड़ा। अब देखो सेवन ए इनवर्स कितना होगा, बताओ सेवन ए इनवर्स कितना हो जाएगा? फाइव आई माइनस ए, क्योंकि सेवन ए इनवर्स यहां लिख दिया, ये इधर चला गया, फाइव आई माइनस ए चला गया, हो गया इधर। अब देखते हैं सेवन ए इनवर्स ऐसे ही रहने दो, फाइव आई, आई को क्या लिखेंगे? वन जीरो जीरो वन। और ए को क्या लिखेंगे बेटे? जो ए है थ्री वन माइनस वन टू, ए लिखेंगे थ्री वन और माइनस वन टू। तो ये सेवन ए इनवर्स क्या हो जाएगा? सेवन ए इनवर्स हो जाएगा फाइव जीरो जीरो फाइव, और ये कितना हो जाएगा? माइनस थ्री माइनस वन वन और माइनस टू। तो रिजल्ट में क्या आया? रिजल्ट में आएगा पांच में से तीन जाएगा तो दो, जीरो में से एक जाएगा तो माइनस वन, जीरो वन कितना हो जाएगा? वन। पांच और माइनस दो कितना हो जाएगा? यही हो गया, ये सेवन ए इनवर्स के बराबर आया। लेकिन ए इनवर्स कितना आएगा? ए इनवर्स कितना आएगा अपना? ये सेवन का डिवाइड कर दो, तो वन बाई सेवन यही लिख दो ना, और यहाँ क्या लिख दो? टू माइनस वन प्लस थ्री, हो गया बेटे, ये वाला आया। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी लिख लो, इस क्वेश्चन को भी लिख लो। क्यों इस बार सिलेबस तो कम नहीं होगा है? लास्ट ईयर बड़ा गड़बड़ हो गया था, मैंने चार महीने में तो तीन चार चैप्टर खत्म करा दिए, फिर सिलेबस रिड्यूस हो गया, जो जो पढ़ाया था वही हट गया था। तो अभी से अगर रिड्यूस रिड्यूस होना हो तो तुम सीबीएसई के पोर्टल पे डाल देना कि जो हो अभी से बता दो, नहीं फालतू पढ़ लें फिर। लेकिन हमने गुस्से में पूरा ही पढ़ाया, में ही तुम लोगों को पूरा ही पढ़ाया था कि छोड़ दिया था? मैथमेटिकल रीजनिंग वो तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाता, मैथमेटिकल रीजनिंग की जगह दूसरा रीजनिंग बता दूंगा, करा दूंगा, जो मेंस में आती है वो वाली करा, ट्रू फॉल्स की टेबल आती है, निगेशन और वो वाला आता है, वो वाला पोर्शन करा। चलिए बेटे आगे बढ़ा जाए। चलो अब ये आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसको एक काम करते हैं, कल ही उठाते हैं, लेकिन लेकिन छुट्टी नहीं होगी, लेकिन लेकिन ये है, उससे पहले कुछ बातें हम आपको समझाते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़ा? हाँ जरा ऊपर करते हैं फटाफट, जिनने इंडक्शन पढ़ाई नहीं। मतलब ये हाथ ऊपर करके तुमने मुझे डराया है? नहीं, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था कुछ भी, थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा ना, बिल्कुल नहीं देखा।
अच्छा ये बताओ 11th की बुक देखी है कि नहीं? उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर था, ये देखा है कि नहीं? क्या करते हैं उसमें, ये कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। अरे मृणाल दास योगेश सर से बोलो फीस बढ़ा देना। इस हिसाब से अगर ये पढ़वाएंगे और देखा ही नहीं, हट गया था। ठीक है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसी फीस में ही बता रहा हूँ। काफी बर्डन है, मतलब मेंस वाले भी क्वेश्चन कराने हैं, एनडीए वाले भी कराने हैं, ट्वेल्थ भी कराना है, 11th भी कराना है, काफी बर्डन है मतलब। चलो चलते हैं, सुनो फिर क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। ये लिखा 1+2+3+...n, आपने सुना होगा ये n(n+1)/2 होता है। साइकिल स्टैंड देखा? साइकिल स्टैंड कभी देखा है? स्कूल साइकिल गिराने में मजा बहुत आता है, एक गिराओ सब गिर जाते हैं, है ना? और भाई सब जो आनंद है अपनी साइकिल ना हो गिर। और छोटे बच्चे होते हैं, छोटे आप लोगों ने उधम नहीं किया होगा, हमारे जमाने में तो उधम ही होता था। अच्छा हमारे टाइम पे अच्छा भी था बुरा भी था। अच्छा ये था कि बुजुर्ग लोग ज्यादा मारते डांटते नहीं थे, बुरा ये था कि कोई भी मार लेता था, मतलब ये जरूरी नहीं था कि पापा मम्मी हाथ अजमाए, मोहल्ले वाले भी खोल लेते थे। आजकल एक अच्छी बात है कि जो कुछ होता है घर में ही होता है, बाहर वाले की हिम्मत नहीं होती, ठीक है ना? तब और एक तो तब ऐसा भी होता था ना कि बाहर वाले भी जो होते थे ना वो भी चाचा ताऊ कोई ना कोई मतलब हाँ रिश्ते में ही होते थे, क्योंकि वो परिवार आपस में। अभी तो क्या इधर उधर आते हैं हम, हमारा घर ये है, बगल वाला कोई और, अगल वाला कोई और, तो ऐसा रहता है, इसलिए बगल वाला मार नहीं सकता। तब तो कोई भी हाथ अजमा लेता, कुछ गलत करते हुए मिल गए तो मजा भी काफी आता था, है ना? जैसे होली में तो पता है किसी का भी लकड़ी वकड़ी और किसी की चारपाई उठा के रख देते तो होली में जल गई। नहीं हमें याद है कि हमारे बचपन में एक पेड़ था, कैंठा बोलते हैं, कैंठा जानते हो? जानते हो? तो पता है वो कैंठा, वो हमारे बाबा जो थे बगल वाले बाबा थे, तो वो चारपाई नीचे ही बिछा के लेटते थे कि जिससे कोई उसमें से तोड़ ना पाए। और लड़के तो लड़के, नाम ही है लड़के, कहां से आए लड़के ना। तो एक क्या करता था, पहले पेड़ पे थोड़ा चढ़ता था, फिर दादा लाठी लेके उसको मार देते, तो वो फिर चढ़ता था, फिर दादा फुल दूर तक उसको भगा के आते थे। दादा को तो ये लगता था कि फुल दूर तक हम भगाया है, और वो एक गेम का पार्ट था कि जब दादा उधर चले जाए तो जो एक्चुअली चढ़ने वाला है तब वो चढ़ेगा। ये गेम का एक पार्ट था। फिर ऊपर से ही फल देखते रहते थे। अब कभी कभी समस्या था कि दादा जाते ही नहीं, तो फिर दादा को कहीं ना कहीं बिजी करना पड़ता था, तब फिर बड़े मुश्किल में उन्हें खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था। तो लाठी आटे भी खा लेते थे तो दिक्कत नहीं होती थी, मजा आता। तो ऐसे ही साइकिल स्टैंड में भी बड़ा मजा आता था, बस देखे रहते थे कि गायब हो जाए, और ये कैसे है ना गिरा दी, और एक गिराने के बाद दूर खड़े होकर फिर देखते थे बची तो नहीं कोई, और अगर कोई बची हुई तो फिर मौका देख के उसे भी गिरा दो। तो ये साइकिल स्टैंड वाला ही क्वेश्चन क्या है, साइकिल स्टैंड वाला क्वेश्चन, ये अगर है ना पहले एक साइकिल गिराएंगे तो काफी गिर जाएंगे, फिर लास्ट वाली गिरा देंगे तो हैंड्स हो जाए। मतलब क्या हुआ कि ये वैसे तो एपी का क्वेश्चन है और एपी से ये आता है सम ऑफ एंड टर्म्स, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन किसी भी चीज को ये चेक करने का तरीका है कि ये बात सही है या गलत। अगर मान लो आपको एपी नहीं पता, एपी का फॉर्मूला नहीं पता, तो ये पता होना चाहिए कि ये सही है या गलत है। तो इसके लिए चेक करते हैं, इसमें मतलब एक तरह से ऑब्जर्वेशन है। पहले n = 1 के लिए चेक करेंगे, फिर n = k के लिए चेक करेंगे, मतलब पहले पहली साइकिल गिराएंगे और फिर देखेंगे कि k तक साइकिल गिर गई है कि नहीं,
और फिर एक और गिरा देंगे k प्लस वन वाली गिरा देंगे, k तक तो गिर ही जाएंगे, एक और गिरा देंगे तो सब गिर जाएंगे ऐसा नहीं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में पहले n इक्वल टू वन, फिर n इक्वल टू k, फिर n इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूफ करेंगे, और अगर ये सब प्रूफ हो गया तो हेंस क्वेश्चन जो सीरीज लिखी हुई है वो सही। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू वन का मतलब होता है दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है इधर से कि पहली टर्म, और इधर मतलब होता है n की वैल्यू वन। तो जब पहला टर्म का मतलब क्या हुआ वन, और दूसरा मतलब n इक्वल टू वन का क्या मतलब हुआ कि n की जगह वन रखा जाए, तो वन इंटू कितना हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टू। तो देखो बेटे वन इंटू टू अपॉन टू आंसर कितना आ गया वन इज इक्वल टू हेंस टू। ये बात अगर n इक्वल टू वन के लिए प्रूफ है तो ये बात n इक्वल टू k के लिए भी सही होगी। मतलब अगर हमने पहली साइकिल गिराई तो पांच सात दस साइकिलें तो गिरेंगी गिरेंगी, तो इसका मतलब है कि ये बात अगर वन के लिए सही है, आप टू और थ्री भी निकाल सकते हो वैसे जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, ये सीरीज वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस वन अपॉन टू के लिए सही होगी, सही होगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि ये इतना तो सही है, अब इसके आगे अगर और प्रूफ हो गया तो समझ लेना सही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 के, और एक और लगाएंगे क्या जो मैं कहता था अगली साइकिल और गिरा देंगे, एक साइकिल और गिरा देंगे। तो अच्छा जरा ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो आपको पता ही है ना, ये यहां से पता है ये कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू है के k प्लस वन अपॉन टू, और ये कितना रहा k प्लस वन। बस इसको सॉल्व कर लो जो आंसर आ जाएगा वही है, और आंसर आता क्या है, और आंसर जो मात्र आता है वो यही आता है कि जहां जहां n है उसकी जगह क्या आ जाएगा k प्लस वन, और यहां भी क्या आ जाएगा k प्लस वन, और यहां आ जाएगा वन अपॉन टू। तो मतलब आंसर आया k प्लस वन इंटू k प्लस टू अपॉन टू, k प्लस वन k प्लस टू अपॉन टू, ये आया। ठीक है, तो देखो यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। अगर इसको इसको इधर ले जाओ तो इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये तो सब मैं हटा दूं। तो देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये k प्लस वन ऐसा ही रहा, k इंटू k प्लस वन अपॉन टू, और ये एलसीएम वाला जो जाएगा इधर टू, तो ये कितना हो जाएगा टू k प्लस वन, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k, और ये हो जाएगा कितना 2k प्लस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 अपॉन 2। और बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर इसको तोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2 अपॉन 2। तो ये होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, यही प्रूफ आ गया जो मैंने कहा था कि ये प्रूफ करना है, ये और ये और आ गया। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में उतना मजा नहीं आता जब तक हम चार छह क्वेश्चन ना कर लें। तो इससे समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए पहले n इज इक्वल टू क्या रखेंगे वन, फिर क्या रखेंगे k, फिर क्या रखेंगे k प्लस, ठीक है ना, और k प्लस जब वन रखेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हर n की जगह क्या आ जाए k प्लस वन आ जाए, सही। किसी भी क्वेश्चन को चेक करने का तरीका है क्या है? तो अगले लेक्चर में यही मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए अपन आगे क्वेश्चन करें, ठीक है, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। होमवर्क सभी को बताएं, ठीक है ना, और व्हाट्सएप पे मैं कुछ आपको बुकलेट का भी होमवर्क भेजूंगा, ठीक है ना, तो उसको भी देख लेना, ओके बाय। और अगर आज के लेक्चर में कोई डाउट रह गया हो तो पूछ के ही जाना। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।